नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे भारत के तीसरे प्रैक्टिस मैच के बारे में। इस मैच का पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जब एक गेंदबाज जो 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता है तो मैच में क्या कुछ बड़ा फर्क डाल सकता है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की, जिनको आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर बुलाया गया। रोहित शर्मा ने उनके सामने चैलेंज रखा कि आप 11 रन को डिफेंड करके दिखाएं और मोहम्मद शमी ने अंतिम ओवर में 3 विकेट निकाल कर, जिनमें एक रन आउट अगर आप जोड़ दें तो 4 विकेट गिरे अंतिम ओवर में और भारत ने 6 रन से मैच जीत लिया। क्या मोहम्मद शमी उस कमी को अब पूरा कर पाएंगे जो हमने अक्सर स्लॉग ओवर्स में भारतीय टीम के साथ देखा है? क्या भारतीय कप्तान ने जो एक कमी की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने अभी भी 15 से 20 रन कम बनाया, क्या वाकई वो कमी नजर आ रही है? और साथ ही दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से मैच को फिनिश करने की कोशिश दिखाई उस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान जिस तरह से मुकाबला हारा, हालांकि रिजवान नहीं खेले इस मैच में, बाबर आजम नहीं खेल रहे थे, लेकिन शहीन साहब रिदी पूरी तरह फिट नजर नहीं आए, गेंदबाजी हम सबने देखा, नसीम शाह भी थोड़े से भटके हुए थे और हसनैन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो एक तरफ जहां हिंदुस्तान ने अपना प्रैक्टिस मैच जीता, वहीं पाकिस्तान अपना प्रैक्टिस मैच इंग्लैंड के खिलाफ हार गई। अब इस हार और जीत पर भी थोड़ा सा रोशनी हम डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, साथ ही राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा भाई, कोहिनूर ढूंढते ढूंढते हम इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फिर वेस्ट इंडीज गए, वेस्ट इंडीज से वापस हिंदुस्तान आए और उस बीच में हम दुबई भी चले गए, लेकिन कोहिनूर मिला तो मिला ऑस्ट्रेलिया में, जहां और वो भी कोरोना के बाद। कोरोना इफेक्ट कहेंगे या अच्छी गेंदबाजी करने की भूख कहेंगे या लगातार जिस तरह से उनपे क्वेश्चन उठ रहे थे उसको आप देख के क्या कहेंगे? वो 6 बॉले जो मैंने देखी आज, 6 के 6 यॉर्कर डालने की कोशिश थी, पूरी ब्लॉक बॉल में थी, क्रीज पर बॉल जा रही थी और लो फुल टॉस, 140 किलोमीटर 142 किलोमीटर की रफ्तार से, इजी नहीं था किसी भी बैट्समैन के लिए हिट करना और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो मैच जीतने की स्थिति में थी मैच हार गई। देखिए राजीव, जनरली मोहम्मद शमी की गेंदबाजी ज्यादा अच्छी होती है नई गेंद के साथ पावर प्ले में या फिर मिडल ओवर्स में, और सबसे बड़ा सवालिया जो निशान उठता है उनके गेंदबाजी में वो तभी उठता है कि वो डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से पहले टीम का चयन हुआ था या पर पिछले 1-1.5 साल में जो देखा गया है कि चयनकर्ताओं की ये सोच थी कि उनको ऐसा बॉलर चाहिए जो मल्टी फेज में बॉलिंग कर सके, नई गेंद के साथ भी और डेथ ओवर में भी। इसी वजह से कितने नए नए चेंजेस हमें देखने को मिले या नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, पर अंत में ये बहुत ही बड़ी बात है कि मोहम्मद शमी को सिर्फ एक ओवर कराने के लिए कहा रोहित शर्मा ने, उन्होंने डिलीवर किया। तो अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि रोहित शर्मा चाहते हैं कि मोहम्मद शमी को ईज इन किया जाए, इसी वजह से अंतिम एक ओवर डलवाया। और जहाँ पर सवाल उठते हैं उनके सामने उसी वहीं पर उनके लिए एक चैलेंज रखा गया जिस पर वो खड़े उतरे हैं। अभी भी थोड़ी जल्दबाजी हो गई है कहना कि क्या हमें वो सितारा मिल गया है कि नहीं, पर हाँ, जिस तरह का फॉर्म दिखाया है, जिस तरह का लय पहले से आईपीएल में भी देखने को मिला है, मुझे भी उम्मीद है कि जिस एक रेगुलर या फिर कंसिस्टेंट बॉलर की तलाश थी भारत को, वो मोहम्मद शमी के रूप में कुछ हद तक नजर आ रहा है इस समय। राजकुमार सर, रोहित ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया मैच के बाद, उनका कहना था कि चैलेंज रखा उन्होंने मोहम्मद शमी के सामने, ये जो चैलेंज वर्ड है कि आप 11 रन डिफेंड करके दिखाएं, अक्सर हमने नेट्स पे सुना है ये बात कि आप नेट्स में सामने वाले बैट्समैन को चैलेंज देते हैं, गेंदबाज को आप चैलेंज देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर स्कोर को डिफेंड करके दिखाएं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया शमी ने और पूरा एक्सपीरियंस अपना झोंका इस आखिरी ओवर में, जिस लेंथ पे उन्होंने पर्टिकुलर बॉल डाली जो हम शायद मिस कर रहे थे बड़े दिनों से, हम अक्सर उस क्रीज को नहीं हिट कर पा रहे थे, यानी कि जो उस ब्लॉक होल को नहीं हिट कर पा रहे थे जो आमतौर पर स्लॉग ओवर्स में दरकार होती है। बिल्कुल राजीव, एक अच्छा चैलेंज था मोहम्मद शमी के लिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप एक मैं कहूंगा प्रैक्टिस मैच ये चैलेंज दे सकते हैं अपने गेंदबाज को कि आपके लिए चैलेंज है, आप 11 रन डिफेंड कीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट और 4 विकेट उनके हाथ में थी, तो एक ये बड़ा चैलेंज था क्योंकि आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में 11 रन डिफेंड करना काफी मुश्किल है T20 क्रिकेट में, लेकिन शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद शमी ने और जो एक चिंता थी कि क्या वो मैच फिट हैं, क्या वो बिल्कुल तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, शायद वो चिंता काफी हद तक सभी के दिमाग से निकल गई है और पूरी तरह से मुझे लगता है कि वो
फिट दिखे, अच्छी लय में दिखे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मोहम्मद शमी की। जब वो फिट होते हैं, जब वो अच्छा भाग रहे होते हैं, तो वो एक बेहद शानदार गेंदबाज अलग ही नजर आते हैं। तो वही आज भी देखने को मिला, जिस तरह की उन्होंने एट विल वो यॉर्कर्स डाल रहे थे, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस चीज की कमी भारत को काफी समय से खल रही थी, क्योंकि डेथ ओवर बुमराह के जाने के बाद एक बहुत बड़े परेशानी का सबब बन गया था कप्तान और टीम मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल। और सभा भाई, रफ्तार में बड़ा फर्क आना आपको लग रहा है, क्योंकि स्पीड मिसिंग थी। रोहित शर्मा भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो टीम मैनेजमेंट थी वो भी लगातार एक ऐसा गेंदबाज ढूंढ रही थी जो 140 प्लस गेंद डाल सके। क्या शमी की स्पीड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनी इस तरह के प्रदर्शन में, और आने वाले मैचेस में स्पीड बड़ा काउंट करेगी शमी की? बहुत बड़ा फैक्टर है राजीव। अगर आपको ऐसा सीम बॉलर मिल जाए जो 140 से ऊपर गेंदबाज बॉलिंग कर सकता है, उसके ऊपर सटीक लेंथ पर बॉलिंग करे, यॉर्कर लेंथ डाले, तो वहां से रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मोहम्मद शमी ने एक बात और दिखाई है कि अब उनको विश्वास है कि वो सिर्फ यॉर्कर ही डालेंगे डेथ ओवर में, ज्यादा कुछ प्रयास करने की कोशिश नहीं करेंगे। वहां से अगर किसी ने मार दिया तो अलग बात है, तो कई बार ये होता है कि अब यॉर्कर डालते हैं, वहां पर आपकी पिटाई हो जाती है, तो फिर आप कुछ और अलग प्रयास करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर आपके और ज्यादा रन आपके बॉलिंग में पड़ते हैं। तो ये भी जरूरी है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसी पर विश्वास दिखाएं और बार बार वहीं पर गेंदबाजी करने की कोशिश करें। अगर 6 में से 5 गेंदें भी पड़ जाती हैं, तब भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव ओवर साबित होगा, विशेष करके डेथ ओवर्स में। तो हाँ, उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि अगर पेस है तब आपकी यॉर्कर भी ज्यादा इफेक्टिव होती है, अगर पेस नहीं है तो फिर यॉर्कर का कोई कोई अर्थ होता नहीं है, उतना ज्यादा असरदार साबित होती नहीं है यॉर्कर। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं, स्पीड में बड़ा फर्क डाल रही है, और स्पीड के साथ साथ जब स्किल भी काम करने लगे। ने हर्षल पटेल ने जो 19वां ओवर डाला, बड़ा कमाल का ओवर था। 2 ओवर में 16 रन चाहिए थे और उन्होंने उस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, तो ये भी एक फर्क आ जाता है जब कोई एक्सपीरियंस गेंदबाज आता है और आपको समझाने की कोशिश करता है कि आप किस लेंथ में और किस लाइन में गेंदबाजी करें। पहली गेंद तो उन्होंने एरन फिंच को आउट किया जो 76 रन की पारी खेल रहे थे, और वहां से बड़ा फर्क पड़ गया मैच में पूरे। बिल्कुल राजीव, अच्छा लगा हर्षल पटेल की गेंदबाजी भी देखकर, और देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप 140 से कम डाल रहे हैं, और T20 क्रिकेट में वहां पर आपका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैट्समैन बिल्कुल तैयार रहते हैं स्लॉग करने के लिए। और हमने देखा है कि अच्छी तेज गेंदबाजी को भी सामने छक्के आजकल लगते हैं T20 क्रिकेट में, तो अगर आप उससे स्लो हैं, अगर आप 128 130 पे डाल रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए स्लॉग ओवर्स में बचना वाकई में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बैट्समैन बिल्कुल तैयार होता है, बैट्स बहुत अच्छे हैं, विकेट इतनी प्लेसिड होती हैं कि बहुत इजीली आप कांटेक्ट करते हैं और दूर लंबे छक्के मारते हैं, जैसे कि आज भी हमने देखा काफी लंबे छक्के लगे, बड़ा ग्राउंड था फिर भी ये शानदार छक्के लगे उस ग्राउंड पे। तो स्पीड डेफिनेटली मैटर करेगी मोहम्मद शमी की, और जो आर्ट है उनका, वो अगर उसी तरह कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करते रहे, यॉर्कर्स अच्छे डालते रहे, तो वो बहुत यूजफुल होगा भारतीय टीम के लिए डेथ ओवर्स में, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये वरना भारतीय टीम के लिए। सभा भाई, बॉलर्स का एनालिसिस एक बार आपको बता दूं। भुवनेश्वर कुमार 3 में 20 रन, 2 विकेट, अर्षदीप 3 में 34 एक, हर्षल पटेल 3 में 30 एक, रविचंद्रन अश्विन एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने पूरा कोटा डाला, 4 में 28 रन, कोई विकेट नहीं। यजवेंद्र चहल 3 में 28 एक विकेट, और मोहम्मद शमी 1 में 4 रन और 3 विकेट। सेटिस्फाइड है आप जिस तरह से 186 डिफेंड किया भारत ने? हाँ, स्कोर मुझे लगता है कि एक चैलेंजिंग टारगेट सेट किया था भारत ने, उसको डिफेंड करना बहुत जरूरी था हमारे बॉलर्स के लिए, जो उन्होंने किया। चलिए, एक वार्म अप मैच है, यहाँ पर कई सारे बॉलर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि एक्चुअल मैचेस में नहीं नहीं हो पाएगा, पर जो फॉर्म देखने को मिला है, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, मोहम्मद शमी हो, हर्षल पटेल के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, दो स्पिनर्स ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है, तो मुझे लगता है कि एक तरह से अब टीम कि जो बॉलिंग यूनिट है वो एक तरफ तैयार हो चुकी है, और अब बस इंतजार है भारत को कि फाइनल राउंड के जो मैचेस शुरू होने वाले हैं उसकी तैयारी करने के लिए। आपको ये भी देखना होगा राजीव कि इस समय दो बहुत बड़े अपसेट हुए हैं विश्व कप में, नामीबिया ने श्रीलंका को हराया है और स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले ये जो विश्व कप है ये बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आ रहा है हम लोगों के लिए। बिल्कुल। और राजकुमार सर, बात अगर थोड़ी बल्लेबाजी की भी कर लें, यहाँ पे सेटिस्फाइड है जिस तरह की नॉक के राहुल ने आज खेली, क्योंकि सामने अगर हम बॉलिंग अटैक देखें तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग अटैक था।
ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क, के रिचर्डसन, कमिंस, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, एस्टन आगर, ये सब सारे गेंदबाज खेल रहे थे इनके खिलाफ। 172 के स्ट्राइक रेट से केराउन ने बैटिंग की और सूर्य कुमार यादव ने 151 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। सूर्य कुमार यादव को तो ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा ने जैसे टैग दिया है कि बड़े मैच विनर है इस वर्ल्ड कप में, वो तब से वो और ही खतरनाक बैटिंग करने लगे। बिल्कुल राजीव, बहुत खुशी सूर्य कुमार यादव की यहाँ पर बल्लेबाजी देखकर, क्योंकि माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि भारत में तो हमने देखा था कि सब कॉन्टिनेंट में वो बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे विकेट पे बाउंस डिफरेंट है। लेकिन खुशी हुई ये देखकर कि ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने उसी तरह की इम्पैक्ट वाली पारी खेली और केएल राहुल एक शानदार टच में थे और कुछ शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने और एफर्टलेस शॉट्स मारे, जो देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि केएल राहुल एक बहुत अच्छे निक में है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की ये फॉर्म है भारतीय टॉप ऑर्डर की, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और सही टाइम पे शायद भारतीय बल्लेबाजों ने पीक किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वर्ल्ड कप में। सभी बल्लेबाज बहुत शानदार टच में नजर आ रहे हैं, विराट ने भी बहुत छोटी सी एक पारी खेली लेकिन बहुत शानदार टच में वो नजर आ रहे थे, जिस तरह उन्होंने वो एक दो शॉट्स मारे, रोहित अच्छे वो निक में नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सभी बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और दे आर रेयरिंग टू गो नाउ। रोहित शर्मा ने हालांकि सभावाही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10 से 15 रन कम बनाए टीम में, ये हर एक कप्तान को हमेशा से लगता है कि 10-15 रन एक्स्ट्रा तो शायद कुछ रन मिल जाए। बहरहाल जो पहले विकेट की स्टार्ट थी सभावाही 7.3 ओवर में 78 रन, कुछ ऐसे स्टार्ट की आप दरकार कर रहे हैं लगभग हर मैच में, जो आप जो आपकी टैगलाइन है, जो आपने टेम्पलेट सेट किया है भारत, उसी के हिसाब से कितनी नजर आई। ऐसा ही होना भी चाहिए राजीव, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत ने शुरुआत अच्छी की है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने, एक प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड में, जो जहाँ पे ग्राउंड के डायमेंशन काफी बड़े थे, वहां पर इस तरह की शुरुआत देना ये दर्शाता है कि हमारे बल्लेबाजी जो क्रम है बल्लेबाजों में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ चुका है इस समय। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरह की शुरुआत तभी दे सकते हैं जब आपको विश्वास है अपने मिडिल ऑर्डर के ऊपर, और वो विश्वास इस समय रोहित शर्मा और केएल राहुल के बल्लेबाजी में नजर आ रहा है। आपके पास विराट कोहली है, आपके पास सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, दिनेश कार्तिक है, तो इस तरह के बल्लेबाज अगर आपके पास हैं तो फिर आप खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि पावर प्ले का ठीक प्रकार से उपयोग किया जाए, क्योंकि इस समय देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत चिंताएं थी भारत के लिए वो सिर्फ गेंदबाजी में ही थी, पर मोहम्मद शमी के प्रदर्शन से वो भी एक तरह से कुछ हद तक दूर सी हो गई है और टीम पूरी तरह से तैयार इस समय नजर आ रही है। बल्लेबाजी बहुत कुछ निर्भर कर रहा है यहाँ पर भी, मुझे लगता है कि एक तरह से गेम चेंजर रहेंगे सूर्य कुमार यादव, और मुझे लगता है कि मध्य क्रम में हार्दिक पांडे का भी रोल बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाले आने वाले समय में। बार बार सोशल मीडिया पे सभा भाई सूर्य कुमार यादव का वो लैप शॉट दिखाया जा रहा है जो उन्होंने मार्कस स्टोइनिस पे मारा, इस समय अगर आईसीसी की वेबसाइट अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वही शॉट दिखाया जा रहा है। सूर्य कुमार यादव ने अचानक आपको लग रहा है 3-4 स्टेप बाकी बल्लेबाजों से आगे खेलना शुरू कर दिया है, सोचना शुरू कर दिया है, जिस तरह से वो हर बॉलर के अगेंस्ट एक अलग प्लानिंग के साथ बैटिंग करते हैं और पहली गेंद से वो अटैक करते हैं, जो जो बात उन्होंने अपनी जब भी उनसे बात की तब भी वो करते हैं, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलना, शायद इस तरह की क्रिकेट तो कोई भी बैट्समैन नहीं खेल रहा आज की डेट में। देखिए राजीव, डोमिनेटिंग क्रिकेट इस वजह से सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है टीम मैनेजमेंट का, और इसी प्रकार के एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। कप्तान, कोच, बैटिंग कोच है वो आपको पूरी तरह से कह दे कि भाई आपकी प्रोफाइल यही है और हमें पता है कि आप इस तरह के शॉट्स खेल सकते हैं, आप खुलकर खेलिए। क्योंकि T20 में ज्यादा कंसिस्टेंट बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, अगर आप 5 में से 2.5 या 3 पारियों में भी रन बना रहे हैं और मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, और यही उम्मीद कर रहा है टीम मैनेजमेंट सूर्य कुमार यादव से और उस पर वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। विकेटें अलग हैं, कंडीशंस अलग हैं, उसमें भी अगर आप स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने इस तरह के स्ट्राइकर के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने विश्वास भरपूर है, इसका फायदा भारतीय टीम को विश्व कप में मिलना चाहिए। और राजकुमार सर, बैटिंग का अगर मैं आपको दिखाऊं तो रोहित एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जिनका स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे था, नहीं तो हर बैट्समैन ने कोशिश की, यानी कि 10 बॉल 20 रन बना दें, 13 बॉल पे 20 रन बना दें। दिनेश कार्तिक एक और उसी में एग्जांपल है जिन्होंने 14 गेंदों पे 20 रन बनाए और उनका भी स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर रहा। दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर आपको लग रहा है धीरे धीरे उस पोजिशन पे अपने आपको स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस मैचेस देखे आपने?
बिल्कुल राजीव, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है दिनेश कार्तिक को, और इसीलिए उनका चयन किया गया है एज ए फिनिशर। मुझे लगता है तो थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, अगर थोड़ा और स्टेबल होकर खेलेंगे तो और ज्यादा वो कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे स्ट्रोक्स हैं उनके पास और आज भी उन्होंने दिखाया कि वो मैच को अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। सभी बल्लेबाजों ने इंटेंट दिखाई कि वो बड़े रन बनाने जा रहे हैं, मतलब भारत एक बड़े स्कोर की तरफ ही टारगेट करेगा, ऐसा नहीं है कि हम 120-125 की तरफ जाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि भारत एवरेज स्कोर भारत का 180 प्लस होगा इस टूर्नामेंट में, जो कि शायद इंटेंट जिस इंटेंट के साथ भारत की टीम खेल रही है। और रोहित की जहां तक बात करें तो अगर आप, मैं देख रहा था मैच तो बहुत कम उन्हें बॉलिंग भी खेलने को मिल रही थी, क्योंकि ज्यादातर बैटिंग खेल राहुल ही कर रहे थे, तो एक आधा बॉल बीच में उन्हें मिल रहा था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अपने आप को शो नहीं कर पाए। बट रोहित तो हम सभी जानते हैं कि ये जो जो अब टेम्पलेट है ये रोहित ही लेकर आए हैं कि आपको पॉजिटिव बल्लेबाजी करनी है T20 क्रिकेट में, तो कप्तान हैज ऑलवेज सीन, वी हैव ऑलवेज सीन कि वो ही इज लेड फ्रॉम द फ्रंट इस मामले में। तो आज क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला इसलिए उनका थोड़ा स्ट्राइक रेट कम रहा है, लेकिन बाकी अब ये क्लियर है कि भारतीय टीम किस टेम्पलेट के साथ खेलने वाली है इस वर्ल्ड कप में। और अच्छी बात है कि इन विकेट्स पर आप उस तरह खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंस है, बॉल आता है विकेट से आपके बैट पर, और अगर आप में जिगरा है तो आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं इन विकेटों पर और इन ग्राउंड्स पर। भाई आखिरी दो दो सवाल लूंगा आप लोगों से, एक तरफ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वहीं पाकिस्तान इंग्लैंड से बुरी तरह हार गया, 5 ओवर पहले 161 रन बना दिए इंग्लैंड ने, जबकि बैट्समैन तो उनके जो प्रीमियम बैट्समैन नहीं खेले थे लेकिन बॉलर सारे खेल रहे थे पाकिस्तान के, बिना बाबर आजम बिना रिजवान के बहुत ही कमजोर है पाकिस्तान की टीम, ऐसा लगा प्रैक्टिस मैचेस देख के, आपके क्या एनालिसिस है इस पे? बहुत ज्यादा टॉप हेवी टीम है ये पाकिस्तान की, और बहुत कुछ निर्भर करते हैं ये बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के रन के ऊपर, अगर इन दोनों ने रन नहीं बनाया तो फिर अब जो मध्य क्रम है उसमें उतना ज्यादा अनुभव मुझे नजर नहीं आ रहा है, उस प्रकार की पारियां देखने को मिली नहीं है अभी तक। हालांकि पाकिस्तान धीरे धीरे अच्छे फॉर्म पकड़ रहा है, ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड को फाइनल मैच में हराना एक बहुत बड़ी जीत है उनके लिए, इससे उनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उस फाइनल मैच में आपको याद होगा कि मध्य क्रम के जो बल्लेबाज है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, वहां पर मोहम्मद नवाज ने रन बनाया था, हैदर अली ने रन बनाया था, शादाब खान ने रन बनाया था, इससे उनका विश्वास थोड़ा बहुत जरूर बढ़ गया होगा। पर अंत में एक बात तो साफ है कि अगर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए रन नहीं बनाते हैं तो फिर उनके लिए आगे बढ़ना विश्व कप में बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये टीम बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है अपने दोनों प्रीमियर बल्लेबाजों के ऊपर और उसके साथ साथ गेंदबाजी के ऊपर। लेकिन 161 रन कोई कम स्कोर नहीं था सभा भाई, मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि 5 ओवर पहले इंग्लैंड बना देती है 161 रन, और आप बॉलिंग अटैक देखें, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, शादाब और नवाज, ये इनके जो 5 बॉलर खेलेंगे एक्चुअल मैच में वो सारे खेल रहे थे इस मैच में, और 5 ओवर पहले इंग्लैंड ने रन बना दिया। हाँ राजीव, इसीलिए ये दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इसको तो ये समझ में आता है हमें कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी कितनी तगड़ी है, और वो उनको यहाँ पर खेलने का अभ्यास हो चुका है, अब इसके पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला खेली है और वो जीते भी हैं, तो उसमें उनके बल्लेबाजी में विश्वास भी है और उस तरह के स्किलफुल प्लेयर्स भी हैं जो बहुत ही शानदार स्ट्राइकर के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगी इस विश्व कप के लिए, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी दूसरी टीमों को जिनका मुकाबला इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाला है। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही मेन प्रीमियर बॉलर है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको अभी और समय लगेगा अपने आप को फुली पूरी तरह से फिट करने में। जैसे कि सभा भाई ने कहा राजकुमार सर, शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, एक्चुअली उनकी बॉलिंग देख रहा था मैं, उनका लेंथ बहुत अच्छा था बॉल में, हालांकि स्विंग थोड़ा नहीं दिख रहा था बट बहुत ही अच्छी लेंथ में उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन उनके 2 ओवर में 7 रन देने के बावजूद पाकिस्तान 5 ओवर पहले मैच हार जाती, 14.3 ओवर में वो मैच हार गए। कैसे आप देखते हैं 161 रन 14.3 ओवर में इंग्लैंड का बनाना, और क्या आपको भी लग रहा है पाकिस्तान बिना रिजवान और बाबर के उतनी तगड़ी नजर नहीं आती और इस टीम में, क्योंकि वो खेले नहीं थे दोनों और गेंदबाजी पूरी खिलाई पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ? देखिए राजीव, हम सभी जानते हैं कि बाबर और रिजवान पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि दोनों उनके प्रीमियर बल्लेबाज हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, और आज शायद वो अपने बाकी बैटिंग को टेस्ट करना चाहते थे जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, 160 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने वो चेज किए हैं
तो वो एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है बाकी सभी टीमों के लिए, क्योंकि बहुत ही डेवास्टेटिंग बल्लेबाजी है उनके पास, बहुत खतरनाक बैट्समैन है जो T20 क्रिकेट के, तो वहां पर बहुत सावधान रहना होगा बाकी टीमों को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगी इंग्लैंड जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी है। तो वो एक चीज इस मैच में बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली। और जहां तक शहनशाह अफरीदी की बात है, तो वो काफी लंबे समय के बाद और इंजरी के बाद आ रहे थे, लेकिन फिर भी लगा कि वो जो उनकी क्लास है वो उन्होंने दिखाई। अभी वो पूरे दम से गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह फिट होंगे, और एक अच्छा मुकाबला होगा भारत पाकिस्तान का, जिसमें मजा आएगा देखने का, पाकिस्तानी गेंदबाज और भारतीय बल्लेबाजों का मुकाबला। तो भाई आखिरी सवाल क्या, मोहम्मद शमी को आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच 19 को पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करते देखना चाहेंगे, और साथ ही क्या कुछ और आप चाहते हैं ऐड ऑन करना, जो 3 प्रैक्टिस मैचेस देखे जिनमें से 2 हम जीते वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 1 मैच हम हारे भी। ज्यादा हमें ध्यान अपनी गेंदबाजी के ऊपर ही देना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 3 या 4 ओवर मोहम्मद शमी को कराने चाहिए, वो भी उसमें से भी 2 ओवर अगर वो नई बॉल से मिक्सने से करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके साथ से मैं देखना चाह रहा हूँ अक्षर पटेल को कि वो कैसी गेंदबाजी करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। आपकी जो सही कॉम्बिनेशन है, कम से कम बॉलर की जो कॉम्बिनेशन है उसको आप सामने रखें, और उसी के साथ आपको मैच खेलना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और एक वार्म अप मैच आपको इंडिकेट करेगा कौन से प्लेयर आपके फॉर्म में है, विशेष करके गेंदबाजी पर भारत को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राजकुमार सर आप भी कुछ ऐसी सोच रहे हैं जो सभा भाई सजेस्ट कर रहे हैं कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट थोड़ा और काम किया जाए और बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशा जाए, और शमी को थोड़े नई गेंद के साथ भी 1-2 ओवर कराया जाए, और फिर अंत में 2 ओवर जैसे कि 1 ओवर उन्होंने डाला आज, एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और उस पर खड़े उतरे। नहीं बिल्कुल राजीव, वो हमारे प्रीमियर गेंदबाज हैं, और हम चाहेंगे कि वो जब असली मैच आते हैं तब तक वो पूरी तरह मैच फिट हो, और उस मैच फिट होने के लिए न्यूजीलैंड वाला जो वार्म अप मैच है, जो प्रैक्टिस मैच है, वहां पर देखना जरूरी है कि शमी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं नए बॉल से, और किस तरह की गेंदबाजी करते हैं डेथ ओवर्स में। तो मेरा भी मानना है कि उन्हें जरूर 4 ओवर कराए जाने चाहिए, और भारत को पूरा मैच वो उस तरह खेलना चाहिए जैसे कि आप अपनी बेस्ट 11 खिला रहे हैं। बहुत ज्यादा अब एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, अब आपके क्लियर होना चाहिए आपको आपके थॉट्स कि ये हमारी बेस्ट 11 है, आप उस बेस्ट 11 के साथ उतरिए और बॉलर्स पूरा मौका दीजिए, भले वो चहल है या अश्विन है या अक्षर, जिसको भी आपको ट्राई करना है, जो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में है, जिसे आप सोचते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खिलाएंगे, आप उनको गेंदबाजी कराइए और उनको पूरे ओवर कराइए। तो वो एक इम्पोर्टेंट एक अच्छा प्रैक्टिस मैच होगा भारत के लिए न्यूजीलैंड, क्योंकि वो भी एक शानदार टीम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 प्रैक्टिस मैच भारत अब तक खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया में, 2 मुकाबले भारत ने जीता, 1 मुकाबला वो हारे जहां पर बैटिंग पूरी तरह कोलैप्स कर गई थी, लेकिन आज बल्लेबाज भी चले, गेंदबाजों ने भी अपना रंग जमाया, नतीजा ये हुआ कि भारत ने एक क्लोज इनकाउंटर जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मोहम्मद शमी ने जिस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट किया वो इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। वहीं अगर हम बात सूर्य कुमार यादव और के राहुल की बल्लेबाजी की करें, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट था, पहले विकेट की जो साझेदारी हुई 10 रन प्रति ओवर रोहित शर्मा और के राहुल ने बनाए, इससे और बेहतर अगर करते हैं तो शायद बहुत बड़ी बात होगी, और अंतिम के ओवर से थोड़े रन कम बने जिसके बारे में रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन कुल मिलाकर भारत ट्रैक पर है, अच्छे फॉर्म में सभी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, वो चाहे विराट की 19 रनों की पारी हो, दिनेश कार्तिक के 20 रनों की पारी हो, या रोहित शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की, हार्दिक पांड्या की एक एक दो अच्छी इनिंग्स अगर उनको और मिलती है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो 30-40 रन का स्कोर के साथ 1-2 विकेट और लेते हैं, तो भारतीय टीम शायद जो अगला सर्वे हम दिखाएंगे वहां पर थोड़ा सा और आगे खड़ी जरूर नजर आएगी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।